हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सही होंगे। ठीक है, आज का वीडियो जो है पूरा आप देखना। ठीक है, देख रहे हो तो पूरा देख लेना। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं ये किया हूँ, फार्मिंग किया हूँ, लेकिन लास्ट में जाके पूरा रेड ही रेड किया है। ठीक है, बहुत बड़ा बेस था, आज अकेले सोलो रेड किया हूँ। ठीक है, आप देखना, बहुत मज़ा आएगा। और आज चलता हूँ, थोड़ा सा फार्मिंग पहले कर लूँ मैं। ठीक है, अभी रेड टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो उससे पहले मैं सोचा थोड़ा फार्मिंग कर लेता हूँ। अपने पास है ऐसा बॉम वगैरह बन के रखा हुआ है, भाई ने बना के रखा है। ठीक है, उसका मैं यूज़ कर लूँगा और बाकी मैं फार्मिंग करके रख रहा हूँ। ठीक है, और हमको भी चाहिए होगा कहीं रेड करना तो कर सकते हैं। मैं भाई को मैसेज किया था, नहीं आया। ठीक है, चलो मैं आज सोलो ही ये करता हूँ, क्या बोलते हैं, रेड करता हूँ। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, आज का वीडियो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, रूम वगैरह नहीं करेंगे यार, अपन रूम करके कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, अपने पास सब कुछ है, फोर और हैंडमेड सारी चीज़ें कर लिया, तो फिर तुम क्या फ़ायदा रूम करेंगे, रूम नहीं करेंगे। अपने पास ये है, ये डबल बैरल शॉट गन था, तो उसका यूज मैं कर रहा हूँ फार्मिंग के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बेस है। मैं ऐसे फार्मिंग करने निकला तो मैं बेस ढूंढने लगा। ठीक है, कहाँ पे बेस है, मुझे यहाँ पे एक बेस दिखा तो मैं उसको भी ये कर लिया। अभी मैं फार्मिंग करके आ गया, बहुत देर तक बोर नहीं करूँगा आपको, कुछ कुछ चीज़ें कट करके दिखाऊँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं और ये कर दूँगा, हट कर दूँगा। ठीक है, कट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं आ गया फार्मिंग करके, फटाफट से चलते हैं। फर्नेस अपने पास लार्ज है, लार्ज फर्नेस में सब लाते, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको पूरा फुल कर देना मुझे। ठीक है, नीचे पूरा वुड वुड डाल दिया, ऊपर ये तीन करता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, तीन और दो और कर देता हूँ। ठीक है, 600 600 का पूरा इक्वल हो गया। ठीक है, अभी ना बाकी में ये डाल दे रहा हूँ, आयरन मेल्ट होने के लिए डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास स्टील बचा हुआ है, स्टील भी डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको नीचे ना पूरे 5 5 हज़ार का फुल कर दे रहा हूँ, कि मतलब यही बंद ना हो, चलते रहे तो मतलब जलते जलते ही रहे, मतलब रुके ही नहीं। ठीक है, अभी फिर भी कुछ मेरे पास वुड बच गया, इसको मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ। देखो ये मेरे पास ऑलरेडी बॉम्ब बना हुआ उतना। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैं बनाने के लिए फार्मिंग किया हूँ, जब तक सल्फर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं वीडियो कट कर दूंगा। ठीक है, सल्फर जब तक मेल्ट होगा मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर रख दे रहा हूँ। मैं गया था फार्मिंग करने, तो वहाँ पे मुझे कुछ स्पेयर और कुछ ऑयल ये सारी चीज़ें मिली, तो वो भी मैं कलेक्ट कर लिया। मैं तो स्टोन तो मतलब बहुत है अपने पास, स्टोन देख रहे हो कितना भरा है, लेकिन फिर भी अपने बेस का जो ये है मेंटेनेंस है, कुछ घंटे का दिखा रहा है, 14 12 14 घंटे का दिखा रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस फिर भी करना पड़ेगा। ऊपर चलते देखते हैं ऊपर क्या लगाया भाई ने। ये जो होता है ना एनर्जी का, आज एनर्जी जनरेटर, ठीक है, वो भाई ने लगा के यहाँ पर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, चलते देखते उसका यूज कैसा। अबे चढ़ेगा कैसे ये? ठीक है, चढ़ गया। हाँ ये है ना, मतलब रिएक्टर, सॉरी, तो मतलब इसको लगा के रखा है भाई ने। इसमें एनर्जी डालना पड़ेगा, एनर्जी कॉर्ड, उसके बाद से ये चलेगा। लेकिन इतना कहाँ से लाएंगे यार, एनर्जी कॉर्ड्स कहाँ से इतना इकट्ठा करेंगे, नहीं हो सकता भाई ये। मतलब इसको चला के नीचे जनरेटर इसे लगा कर रखा है हमने, फ्यूल जनरेटर है। ठीक है, तो ये देख रहे हो कैसा, मतलब कितना खतरनाक दिख रहा है, लग रहा है कौन सा पबजी है या क्या है ऐसे। मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मतलब पबजी जैसा लगेगा। मैं इसे ट्राई कर रहा था इस गन को, और फालतू में चला रहा था। अभी मैं नीचे आ गया फटाफट से, मैं और थोड़ा फार्मिंग करने गया था, कट कर दिया उतना, तो मैं यहाँ पे फार्मिंग करके आ गया। थोड़ा और इसमें डाल दे रहा हूँ, 2 हज़ार और सल्फर लेके आया। ठीक है, 1 हज़ार आयरन लेके आया हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा ना यार, इतना बहुत है, बहुत मतलब पिछली बार 4 हज़ार लेके आया था, 2 हज़ार इस बार, 6 हज़ार सल्फर, मतलब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं बहुत सारे चिकन और फिश मीट और बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ यार, वो सब भी रख दूँ यहाँ पे। देखो और ये फिश भी है, बहुत 15 20 फिश लेके आया था मैं, ऐसे ही गया था पकड़ने का, मतलब पकड़ने लगा मैं।
फिश जहाँ पे रेड करने जाना हो ना, वहाँ पे मुझे लग रहा है ना खतरनाक एरिया है थोड़ा सा। एक मिनट, मेरे पास दो कार्ड है, कार्ड वाला अपना बॉक्स खोलना है। ये देखो कितने सारे कार्ड अपने पास हैं। अभी पर्पल कार्ड भी है तो वो दूसरी जगह पे है, और उसको भी डिसमेंटल करना है क्योंकि सारे एक्सपायर हो गए, यूज कर लिए हम लोग तो। कुछ जो चीज़ें एक्सपायर हो गई उसको डिसमेंटल करना है। काम बहुत है लेकिन अभी ना, मतलब फिलहाल के लिए रेड का टाइम हो जाएगा तो रेड करना है, उसके बाद बाकी सारी काम ठीक है। क्योंकि ना मतलब रेड इम्पोर्टेंट है ना, इस गेम का मतलब ही रेड। अभी ठीक है, अभी रेड 71 आवर और बचेगा तो मज़ा आएगा। अभी 109, 109 घंटे है तो उसके बाद से अभी तो मतलब मैं इकट्ठा करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जब 71 आवर हो जाएंगे तो उसके बाद से रेड करेंगे, सीधे बेस फिनिश ही करते जाएंगे। क्योंकि अभी रेड करो ना तो मतलब पता है कुछ भी नहीं मिलता है। जब ये तोड़ो, उसका कैबिनेट तोड़ो तो उसका 30% मिलता है, 70% नहीं मिलता है, ऐसा रहता है। अभी रेड करने में ये नुकसान है। अब बाद में सबसे जब ये कर लेंगे, लेकिन ये जितने मैंने रेड किया ना उनका कैबिनेट मैंने देख के रखा है, वो सब वापस रिपेयर कर लिए, लेकिन कैबिनेट मुझे पता है कहाँ कहाँ पे है। तो जब 71 आर हो जाएंगे ना तो डायरेक्ट कैबिनेट पे अटैक करेंगे, कैबिनेट अपना लगाएंगे, उसको पूरा डिमोलिश कर देंगे ठीक है। मज़ा आएगा। मैं बहुत सारे बेस का कैबिनेट जानता हूँ, वो लोग रिपेयर भी कर लिए। बड़े बड़े बेस मैं जितने भी बड़े बेस रेड किया हूँ ना, सबका कैबिनेट मुझे पता है कहाँ पे किसका किसका है ठीक है। एकदम आराम से रेड करते जाएंगे ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए अपना जो है यहाँ पे देखो हो गया क्या, चलो हो गया, निकलते हैं रेड करने के लिए। मैंने बनने के लिए रख दिया, बन रहा है, जब तक तो निकलते हैं। अपना सिंपल एल्बम मैं बना रहा हूँ, और हैंडमेड और C4 तो अपने पास ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे एक देख के रखा था, चलते वहाँ पे एक बेस तो था, मैंने देख के रखा था। मैं जब ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, फार्मिंग कर रहा था उस टाइम पे मैंने देखा था। अबे ये क्यों इतना पीछे क्यों रहता है, ये मेरा हॉर्स लग रहा है थक गया है। इसका भी हेल्थ आधा है यार, मतलब तू कौन सा काम कर रहा है भाई, तेरा हेल्थ क्यों कम है, खिला पिला तो रहा हूँ टाइम पे। अच्छा हाँ, ये जोम्बी वोम्बी अटैक करते थे, इन लोगों का हेल्थ बहुत तेज आता है हॉर्स का ठीक है। तो कभी भी देखना कहीं और जाना कार्ड वीड लेने तो वहाँ पे अपने हॉर्स को हटा देना, ये बहुत तेज हेल्थ लेते हैं इसका। मुझे लगा ना कि इसके ऊपर बैठे रहेंगे तो अपना हेल्थ नहीं जाएगा और इसका भी कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो 30 अपने पास सिंपल ऑयल बम है, 11-12 हैंडमेड है, 4-5 C4 है, बस काफ़ी है, मतलब है अपने पास इतना आइटम तो ठीक है ना। इतना से तो हो जाएगा, कहीं भी रेड कोई बड़ा बेस भी रहेगा तो रेड कर सकते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दो मैंने लेडर ले रखा है ठीक है, अगर मान लो कहीं चढ़ने वढ़ने में दिक्कत या फिर कहीं मैं गिर जाता हूँ तो निकलने के लिए। यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ भी एक बेस है क्या, ओके रेडेड है ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या है, कैबिनेट तो इसका दिख नहीं रहा। अरे भाई कैबिनेट कहाँ लगा रखा है, इसके अंदर एक बॉक्स लग नहीं रहा, इसको रेड नहीं करेंगे, इसको रेड करके कुछ मत मिलेगा भी नहीं, अपना नुकसान ही है। ओके अभी अपने पास ये बन ही रहा है, मतलब क्या बोलते हैं सिंपल एल्बम बन रहा है, मतलब 40-50 वो हो जाएगा सिंपल एल्बम ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, और कहीं छोटा भी मिलेगा ना, सिर्फ कैबिनेट तोड़ने के लिए तोड़ेंगे यार, अपने पास कम नहीं है यार, सिंपल एल्बम बहुत है ठीक है। दो तो जाएगा, तोड़ देंगे, क्या पता किसी में मिल जाए, स्पेयर उस्पेयर मिल जाए या फिर स्टील मिल जाए। स्टील मुझे चाहिए अब स्पेयर के काम नहीं रह गया ठीक है, स्टील ही लोगों को चाहिए होता है ये इस कंडीशन पहुंच गए। क्योंकि स्टील रहेगा तो मतलब अपना बेस ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद से 1 मिनट, एक और बेस मिला, ये तो सीढ़ी है ठीक है, ये सीढ़ी है 100%, ये रेडेड है। 1 मिनट, इसका हेल्थ तो है पूरा वॉल का, रेडेड नहीं है, ये तो फालतू में लगा रखा है ठीक है। यहाँ पे ये वर्क बेंच है, हाँ यहाँ पे बॉक्सेस है कुछ। अबे इधर से तो जा सकते हैं डायरेक्ट अंदर, तो फिर मैं इस वॉल के आर पार क्या देख रहा हूँ। अबे भाई ओके यहाँ पे है कैबिनेट, किसी में भी कुछ नहीं छोड़ा होगा जिसने रेड किया होगा, तो छोड़ेगा क्या वो, फटाफट से इसका कैबिनेट ही तोड़ दे रहा हूँ।
स्टोन का है तो कुछ आयरन भी रखा होगा। ओके यहाँ फर्नेस भी है यार, ये चीज़ उसमें बहुत अच्छा था ऑक्साइड में कि मतलब फर्नेस ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं हम लोग, अगर ये कर लो और रेसिपी लर्न कर लो तो फिर इसको उठा सकते हैमर के साथ। यहाँ पे नहीं उठा सकते, अपने पास फर्नेस उठाने का ऑप्शन नहीं है। चलो इसका कैबिनेट गया। अरे बहुत कुछ रखा है रे भाई ने, क्या बात है, स्टील है, स्पेयर है, ऑयल है, क्या बात है अबे, इतना कुछ भर रखा था। और ये जो रेड किया था वो छोड़ के चला गया था, बताओ यार, लग रहा है वरना ये मचेट से या फिर हैमर से किया होगा रेड। एक और मुझे मिला, इसको भी तोड़ दे रहा हूँ, इसमें कुछ मिलने का नहीं खास मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बंदे ने लॉक ही नहीं लगाया है, आया वो फार्मिंग करने बस यहाँ पे। ओके मुझे पता था ये कुछ नहीं रखा होगा, फार्मिंग करने आया होगा। ये बड़ा बेस है, आज का सबसे बड़ा बेस यही है, इसको ही मैं फाइनली रेड करने वाला हूँ। तो मैंने अभी बॉम्ब लगा के ऊपर तोड़ दिया है पूरा, एकदम मतलब मस्त था यार, कहीं टूटा फूटा नहीं था। ऊपर मैंने यहाँ से बॉम्ब लगाया और तोड़ दिया, उसके बाद से मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया। और ये देखो वोल्ट टूट गया, ठीक है 4 वोल्ट टूट गया। अभी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है इसके नीचे अभी नहीं जाएंगे पहले। हाँ ये मैं पानी के अंदर से ऐसे देख रहा था, यहाँ पे बहुत सारे फिश नेट में फंसे हुए थे, मैंने ले लिए सारे फिश, बाद में फेंक देंगे। ठीक है यहाँ पे, ओके ये तो, अरे यार ये एनर्जी का नहीं है, ये वाला है, सब लगा रखा है भाई ने, देखो कैसे विंडो विंडो लगा रखा है, मतलब ये ना खतरनाक बंदे का है जिसका भी होगा। आई थिंक ये एक बंदे का नहीं होगा, इतना बड़ा बेस एक बंदे का नहीं होता है, 2 या 3 बंदे होंगे। मैं डोर टू डोर चलूँ क्या? चलो डोर टू डोर चलेंगे, ठीक है क्योंकि डोर का हेल्थ कम होता है, और डोर से जाने में थोड़ा सा मुझे लगता है इसके नीचे ही मुझे मतलब नीचे वाले बेस में ही जाना पड़ेगा, ऊपर क्योंकि यह है क्या बोलते हैं स्टोन का है, स्टोन का, स्टोन में तो कोई कुछ रखेगा नहीं, सिंपल सी बात है आयरन में रखेगा, मैं उधर नहीं तोड़ूंगा क्योंकि स्टोन टूट गया तो मेरा लेटर टूट जाएगा, ऊपर नहीं जा पाऊँगा मैं, मुझे ऊपर जाने के लिए या फिर वॉल तोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्या पता है साइड वाला वॉल टूट जाए, ठीक है साथ में तो मज़ा आ जाएगा। अब ये चलो टूट तो गया, देखते हैं नीचे ये डायरेक्ट मिले तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट मिले डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ कुछ। अबे यार एक और बोर, अब क्या होगा, इससे अच्छा मैं छत तोड़ के सीधे नीचे गया होता, यहाँ पे तोड़ा होता ना यहाँ पे कहीं तो हो जाता, नहीं तो ये वाला। अभी मैं करूँ क्या, 2 बंदे हैं आई थिंक खेलने वाले, ये जहाँ पे लगा रखा है ना इसने रिएक्टर वहीं पे होगा मेन लूट रूम। एक और वो डोर तोड़े हैं, चलो एक और डोर, ठीक है यहाँ पर तो डैमेज नहीं आना चाहिए, ठीक है यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैं सारे हैंडमेड ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल वाला बम नहीं तोड़ पाएगा, ये आयरन का है, ठीक है। C4 भी अभी है अपने पास 2, तो उसको मैं रख दे रहा हूँ अभी, कहीं फंस जाएंगे तो उसको तोड़ के निकल जाएंगे, इसके लिए मैं रखा हूँ। क्योंकि ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है मैं रेड तो करता हूँ वहीं भी जाकर फंस जाता हूँ, कितना बार ऐसा हुआ है यार। चलो यहाँ पे तो आ गए, ओके लूट तो दिखा थोड़ा वो, लेकिन कैबिनेट नहीं है यहाँ पे। मैं अगर मान लो इसको तोड़ भी दे रहा हूँ तो मुझे कैबिनेट फिर भी चाहिए होगा, क्योंकि कैबिनेट के बिना मैं कैसे ये करूँगा, लूट उठा ही नहीं सकता, जब तक कैबिनेट नहीं टूटे तब तक लूट नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ना आज मैं रेड करके गलती कर दिया, थोड़ा टाइम और रुक गया होता, बॉम्ब बना के रुका होता। इसके नीचे क्या है, ओके ये रिएक्टर ही है, नहीं 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 ये सिर्फ खाली छोड़ा रिएक्टर के लिए, ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है। इन कैबिनेट का है, इसका नीचे ही हुआ है मुझे लग रहा है, 100% नीचे होगा, ऊपर नहीं रखा है बंदे ने, वही रिएक्टर के, हाँ ये जो रिएक्टर है ना वहाँ से खाली छोड़ा रहे, देखो मुझे पता था। अभी ना मतलब मुझे इसका ये ढूंढना है, कैबिनेट ढूंढना है, तो कैबिनेट कहाँ पे है, यहाँ से तो सीलिंग ही दिख रही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दिखना चाहिए 100%, ठीक है। यहाँ पे तो लूट दिख रहा है, बॉक्सेज हैं कुछ, ठीक है, लेकिन इसका कैबिनेट मुझे देखना है यार, कैबिनेट है कहाँ पे इसका, एक मिनट यहाँ से दिख जाए, दिख जाए, दिख जाए,
कहीं कैबिनेट नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, इस मतलब ये फाइनल रूम यही है, इसको तोड़ना ही पड़ेगा मुझे, इसको तोड़े बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे कैबिनेट कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन ये है, यहाँ पे मुझे शॉटगन ट्रैप दिखा, बंदे ने लगा रखा है शॉटगन ट्रैप, दो दो लगाया है, एक ये साइड में लगाया है मेन डोर के पास। ये मैं बाहर से देखा हूँ, बाहर देखो विंडो दिख रहा है ना साइड में, वो विंडो बाहर से दिखता है, तो वहाँ से मैं देखा हूँ यहाँ पे एक शॉटगन लगा, देखो देखो दिख रहा है शॉटगन एक लगा रखा है, वो भी चालू कंडीशन में है, मतलब उसमें एमओ में सब भर के रखा है भाई ने। और एक यहाँ पे है शॉटगन, इसके अंदर मुझे दिखा है कहीं ना कहीं से। चलो फटाफट जितना तोड़ते हैं तोड़ देते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट तोड़ने के बाद से ये मिलेगा लूट, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन मोड में आ जाएगा तो इसमें कुछ तोड़ भी नहीं सकता मैं। फटाफट से इसको तोड़ लेता हूँ। दो है अपने पास, मचेट अपने पास है, मचेट मैं लेके आया था इसलिए, क्योंकि मतलब मेरा बॉम वेस्ट ना हो। देखो कितनी सारे फिश हैं, बहुत सारे फिश में यहाँ पे, मैं नेट के पास गया, इतने सारे फिश बंदे ने लगा रखे। मैं जिसमें खेलता डाउन ऑफ लैंड में, तो उसमें ना मतलब ये नेट लगाने नहीं दे रहा था, अभी इस वाले में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, इतना फीस आराम से मिल जा रहा है कि मतलब नेट लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फीस ही नहीं मिलते, इसमें इतना फीस है कि मतलब भर भर के ये वाले सर्वर में। तो अभी तो दो बार से मैं यही सर्वर खेल रहा हूँ, और दूसरा सर्वर अभी मतलब यहाँ पे सब कुछ पता चल गया, हाँ कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कहाँ पे जनरेटर है रूम का वायर डालने के लिए। तो अभी यही खेलेंगे, एक ही सर्वर कोई पकड़ेंगे क्योंकि उसके बारे में हमें पता रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर पकड़ेंगे ना तो मतलब उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा, कहाँ जनरेटर कैसे क्या करना है। लेकिन यह है थोड़ा ये टफ है, उससे ज़्यादा थोड़ा टफ है। ओके यहाँ पे क्या है, ठीक है चलो, ये भी मेन एंट्रेंस ही है, एक बार मैं बाहर जाके देखूँ क्या कहीं कहाँ पर है इसका, बाहर से कुछ दिख जाए। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है मुझे शॉटगन दिख रहा है, ये तोड़ूंगा तो सीधे शॉटगन आएगा और बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कैबिनेट ही नहीं दिख रहा यार, इसका बंदे का पूरा बेस में देख लिया, लास्ट फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे इसका ये दिख रहा है बेड दिख रहा है, लेकिन कैबिनेट के यहाँ पे भी शॉटगन है, देखो दिख रहा है ना शॉटगन सीधे सीधे लगा हुआ, वो भी एक्टिव मोड में, देखो देखो कैसे घूम रहा है, मतलब वो भी एक्टिव मोड में, मतलब बंदे ने हर जगह पे शॉटगन लगा रखा है। यहाँ पे अगर मैं अंदर जाऊँगा तो थोड़ा सा तो तकलीफ़ आएगी, अगर कहीं मर गया तो फिर मेरे पास सारे बॉम्ब यहीं पे हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, कुछ बॉम्ब सेफ में रख दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मर भी गया तो फिर, एक मिनट थोड़ा बाहर से देख लो, इसमें मैं अपने हॉर्स का यूज ही नहीं किया हूँ। देखो यहीं पे है, यहाँ से है ना दिख रहा है शॉटगन, ये वाला रूम तो बेकार है, लेकिन ये वाला जो है ना यहीं पे कैबिनेट हो सकता है, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना पानी के पास यहीं पे है, लेकिन अपने पास लेटर ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट बाहर से तोड़ता और सीधे लूट रूम में पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे मैं लेटर लेके आऊँ क्या अपने बेस से, इतना सब कुछ करने के बाद से भी नहीं तो मैं ऊपर से तोड़ सकता हूँ, लेटर की जरूरत ही नहीं, सीलिंग तोड़ूँगा सीधे नीचे। चलो चलते हैं सीलिंग तोड़ने, सीलिंग तोड़ने के बाद से देखा जाए क्या करना है, ठीक है। अब इसका बेस पूरा मैं समझ गया, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सारी चीज़ें कैसे बना रखा है बंदे ने। तो ये वाला जो रूम था रिएक्टर के नीचे, वो तो खाली रखा है, ये जो कॉर्नर वाला ये है ना, हाँ यही मेन बेस है, ठीक है इसका। ये तो फालतू में है, ये मतलब स्टेयर के लिए, इधर नहीं, ये वाला सीलिंग के नीचे स्टेयर है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर वाला एकदम लास्ट वाला था ना, देखो एक वन बाई वन का जो बचा है, हाँ यही जो सामने दिख रहा है बोल वन बाई वन का, वही मेन लूट रूम है, ठीक है। उसका कैबिनेट भी वहीं पे होगा, सारी चीज़ें वहीं पे होंगी, ये वाला ठीक है। तो यहीं पे लगाते हैं, सिंपल वॉल बॉम्ब से हो गया, ये कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, चारों वॉल चारों सीलिंग टूटेगी। अबे भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, यहाँ पे वो मेरा लेडर ही गया, मैं निकलूँगा कैसे, लेडर है नहीं अपने पास एक्स्ट्रा। अब निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल तोड़नी पड़ेगी, वॉल तोड़ने के लिए मेरे पास तो बम है, लेकिन मेरा ये अधूरा रह, रेड अधूरा रह जाएगा, क्या करूँ अभी। एक काम करता हूँ, ये कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, वॉल भी जाएगा और सीलिंग भी जाएगी, ठीक है, वो साइड लगाऊँगा,
ठीक है, यहाँ पे वॉल भी जाएगा सीलिंग भी जाएगी, ठीक है दोनों तोड़ेंगे। अब तोड़ना है ये रेड भी करना है, मतलब इतना पता है वो सीलिंग तोड़ूंगा मुझे मेन इसका लूट रूम मिल जाएगा, और ये वॉल टूटेगा तो मैं सीधे बाहर चले जाऊँगा, ठीक है दोनों मेरा काम हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अपने पास हैंडमेड ज़्यादा बचा नहीं, तीन बचा है, तो मैं हैंडमेड का यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल एल्बम जितना है मेरे पास 40-50 था, अभी 37 और बचे हैं, ठीक है सब यूज़ कर ले रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है, पूरा का पूरा यूज़ करके इसका धीरे धीरे एक एक करके लगाएंगे, क्योंकि हेल्थ थोड़ा थोड़ा जाते रहेगा। आज एक बार में लगाऊंगा ना तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इसको एक बार नहीं लगाऊंगा मैं, एक एक लगाऊंगा, ठीक है। और अगर ये टूट गया तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं फंसे रह जाऊंगा। अपने पास है दो, ये क्या बोलते हैं C4 है दो, तो मैं उसको लगा के कहीं से निकल सकता हूँ, दो C4 में एक वोल्ट टूट जाता है आयरन का, तो ऐसा नहीं मैं निकल नहीं सकता, निकलने में निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे रेड भी तो करना है, इतने सारे बूम लेके आया था, रेड नहीं करूँगा तो क्या मतलब रहेगा, और मुझे लग रहा है ना ये वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ही बम जा रहा है, हैंडमेड मेरा पूरा वेस्ट हो गया। ये नीचे का ना जो डोर था, डोर तोड़ना मेरा नुकसान था, डोर मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था, ऊपर का ही ये वाला पार्ट तोड़ देता ना तो कितना भी कम हेल्थ गया यार। चलो हैंडमेड इस जितना है मेरे पास सब लगा दे रहा हूँ, चलो फटाफट इसको ही ख़त्म करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाए यार, ठीक है एक और बचा है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा बच अभी मतलब आधा भी नहीं पहुँचा, एक और है अपने पास, ये लगा ले रहा हूँ मैं, ठीक है चलो, बंदे का आधा आधा तो हो गया, एक ये लगा हो गया C4, ठीक है लेकिन भाई निकलने का यही। ओके अबे भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसको, अबे फंस गया मैं, चलो दो लगाया हैंडमेड और सिंपल एल्बम, दो दो यूज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी हुआ, ठीक है चलो रेड तो हुआ कम से कम, वॉल रेड हो गया और सीलिंग भी रेड हो गया, ठीक है तीन लगाया मैं इस बार, ठीक है यहाँ तक डैमेज आ रहा है यार, मतलब ये ऐसा नहीं नुकसान वाला नहीं है ये ना, मतलब सिंपल एल्बम भी बहुत काम करता है भाई, देखो रेड अभी नहीं था, ये रेड इसने किया है धीरे धीरे तोड़ के, देखो ये कितना कम कर दिया, मतलब अपने पास अगर 50 रहे ना तो मतलब तोड़ सकते तो बढ़िया से आराम से, दो तीन वॉल तो तोड़ ही देगा, ठीक है सिंपल एल्बम भी बहुत बेकार नहीं है, अच्छा हुआ मैं बना के लाया नहीं तो मैं यहाँ फंस जाता, ठीक है एक और अपने पास C4 बचा हुआ है, आई थिंक मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9 8 9 बचे हैं, 7 सिर्फ बचे हैंडमेड सॉरी सिंपल एल्बम, तो अभी ना मतलब मुझे लग रहा है लास्ट में C4 ही यूज करूँगा, लेकिन जितना होता है इससे तोड़ते हैं, क्योंकि C4 का भी डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके जितना हो सकता है इससे डैमेज देख मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक C4 लगाऊंगा पूरा निकल जाएगा, अबे इसी से टूट जा भाई, C4 मुझे मत यूज करने दे भाई, C4 बहुत मेहनत से मिलता है, नहीं, चलो थोड़ा सा बचा है, सिर्फ कुछ चीज़ें बची हैं, मतलब लास्ट था ये। ओके चलो एक C4 में तो हो जाना चाहिए, इतना तो डैमेज दे ही सकता है भाई, अब यहाँ पे नहीं लगाऊंगा वॉल पे लगाऊंगा, क्योंकि अब निकलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अब रेड करना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो गया 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 फाइनली लास्ट में, ओके कैबिनेट यहीं पे था यार, दिख नहीं रहा था, मैं जब भी से ये देख रहा था ये सामने सामने था, उधर से मैं देख रहा था दिखा क्यों नहीं, कभी कभी होता है ग्लिच की वजह से नहीं दिखता है आई थिंक, तो मैं यहाँ से पहले बाहर भागता हूँ, क्योंकि अपने पास एक भी ये नहीं है लेटर नहीं है, मैं नीचे जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, पहले बाहर जाता हूँ बेस में अपने जाके लेटर लेके आता हूँ, ठीक है और उसके बाद से इसका बाकी का ये करेंगे रेड करेंगे, अभी तो अपने पास सब कुछ आ गया है, सीधे नीचे जाना है लेटर लेके, दो है सिंपल एल्बम चाहिए इसका, ये तोड़ने के लिए कैबिनेट तोड़ने के लिए, तो मैंने ये मेल्टिंग में रख दिया था सल्फर, फटाफट से बना के लाता हूँ, जब तक तो अभी रेड टाइम है ही है, अभी 8 बज रहे हैं तो रेड टाइम है, अभी फटाफट से मैं आके तब तक कर लूँगा, ठीक है
लेकिन मेरा बेस कहाँ है? बहुत दूर है यार, मैं ज़्यादा दूर निकल आया हूँ, इतना दूर नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। ये देखो उधर है, मैं इसके बेस पे मैप मार्क लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे आना मुझे इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा वेस्ट किया है मैंने, तो कुछ तो मिलना चाहिए। चलो ठीक है, फटाफट से मैं ला दिया सिंपल एल्बम और लेटर दोनों ला दिया। ठीक है ओके, मैं इसके मेन लूट रूम में कूद दिया। ठीक है, यहाँ पे है ये क्या बोलते हैं, शॉटगन। तो शॉटगन मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। टूटेगा क्या? उसको तो डैमेज ही नहीं जा रहा है। ये मार रहा है भाई, मार रहा है, फंस जाऊँगा मैं। लेकिन इसको डैमेज क्यों नहीं जा रहा है? मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वहीं पे है वो, उसको ज़रा सा भी डैमेज नहीं जा रहा है। ये बंदा गया, ये निपट गया, बंदा यहीं सोया हुआ था, और ये तो निपट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं जा रहा यार, उसका डैमेज उसको भी तो होना चाहिए ना, मतलब शॉटगन ट्रैप को उसके ऊपर नहीं लगेगा डायरेक्ट। मैंने बहुत सारे लेटर लगा लाल रखे हैं, चार मेरे पास सिंपल बम बचा हुआ है। इसको डैमेज गन से देते हैं, गन से नहीं हो रहा यार, गन से नहीं हो रहा, उसको डैमेज ही नहीं जा रहा है, पता नहीं। और मुझे मार रहा है, मुझे मार दिया, पूरा का पूरा हेल्थ दे दिया यार। ये देखो अपना ही बॉक्स तोड़ दिया। अबे भाई अभी तो अच्छा है, मुझे नहीं मार पा रहा है, नहीं तो मुझे तो ले लेता ये यहीं पे। ये टूटेगा कैसे से? ये मतलब शॉटगन ट्रैप टूटता नहीं है क्या? इसका बुलेट ही लग रहा है, ख़त्म करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कैसे ये होगा, इसका मतलब हेल्थ भी नहीं उसका दिखा रहा है कितना बचा हुआ है। मुझे लग रहा है ना इसको कहीं ग्लिच करना पड़ेगा कहीं से, तभी जाके इसका बुलेट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद से मैं रेड कर सकता हूँ। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है, क्योंकि ये मुझे मार दिया तो फिर मतलब क्या होने। अच्छा इसका कैबिनेट तोड़ दो तो नहीं मारा है क्या? कैबिनेट तोड़ दूंगा तो भी तो मैं ऑनर नहीं रहूँगा ना, मुझे तो मारेगा ही, मैं इसके लिए एनिमी ही हूँ। नहीं, ये पूरा हेल्थ लेते जा रहा है। एक काम करता हूँ, बॉक्सेस तोड़ता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से, जितने बॉक्सेस हैं तोड़ ले रहा हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ, बाहर से जाकर कैबिनेट ही तोड़ देंगे, तो बॉक्स के आइटम तो मिल जाएंगे अपने पास। अबे मेरा कौन तोड़ रहा है? ट्रैप कोई तोड़ा है? ओके, कोई बंदा आके आई थिंक मेरे ट्रैप पे फंसा था, मेरे बेस के पास, तो मुझे नोटिफिकेशन आया। मेरा भी मैं दूसरे का रेड कर रहा हूँ, वो मेरा भी ऐसा रेड कर रहा है। अरे भाई बहुत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी है, ठीक है, तो फंस जाएगा उसमें। चलो यहाँ पे लगा के मैं निकलता हूँ, ठीक है, मारने से पहले निकल 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 निकल, निकल। अबे दो चिपका दिया भाई, जल्दी निकल, ठीक है बच गए, वहाँ से तो बच के निकल गए। अभी ना मतलब एक जगह और, ये वाले में, इधर वाले में, यहाँ पे भी शॉटगन है होगा आई थिंक, क्योंकि मुझे बाहर से दिखा था। अब बीच में एक डोर लगा रखा होगा, नहीं तो यहाँ पे एक शॉटगन ट्रैप होगा। मैं फंस गया भाई, ज़्यादा ही आ गया, यहाँ पे तो निकल भी नहीं रहा। नहीं नहीं है, चलो बच गए, नहीं तो यहाँ पे तो पक्का शॉटगन होता तो मैं ले लेता कुछ बूट। अबे देखो ये ग्लिच हो गया, चलो बहुत अच्छा है, इसका मतलब बुलेट ख़त्म करना है तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। ये ग्लिच हो गया बंदा, इसका ये शॉटगन ग्लिच हो जाने दो, अच्छा है। अबे कितना क्या क्या रखा है, कितने लेडर लेके रखे हैं भाई ने, अच्छा हुआ मुझे यहीं पे लेडर मिल गया। ठीक है, इसमें एक भी ये नहीं है। अबे सल्फर कहाँ रखा है भाई तू? सल्फर तो है नहीं तेरे उसमें फर्नेस में, इतने सारे फर्नेस लगा रखा है, सल्फर है। ले भाई मार ले, और मार ले, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसका ना बुलेट्स ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा यार, इतना टाइम किसके पास है। फटाफट लूट के आते हैं, उसी में लूट लेंगे, जहाँ पे थे ना, मार नहीं रहा था वहीं पे जाके लूट लेंगे, क्योंकि बॉक्सेस भी वहीं पे थे। सिर्फ एक चीज़ नहीं था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, फ्रिज नहीं था, बाकी सारी चीज़ वहीं पे थी। ठीक है फटाफट से चलते हैं वहीं से, ऊपर से इसका कैबिनेट तोड़ेंगे, वहीं पे नीचे उतर के ले लेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि इसने अटैक ऐसी जगह पर लगा रखा है। ओके ठीक है,
थोड़ा सा देखते हैं इसका, अगर बुलेट ख़त्म होता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर चलते हैं, दोनों से एग्जिस्ट करेंगे। अबे ख़त्म होगा क्यों, इसने कितने बुलेट्स पा रखे हैं यार, 100 200 ऐसे ही डाल दिया क्या ये शॉटगन का इतना। अरे ख़त्म 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 हो गया, चलो मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया अब। नहीं मुझे नहीं मार रहा है अबे, मार मतलब खत्म हो गया। अरे चलो 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 फटाफट निकलते हैं। नहीं, अभी मार रहा है, अभी मार रहा है। ओहो ये मार क्यों नहीं रहा था, अच्छा ग्लिच नहीं हुआ था, ठीक है मतलब ये नहीं खत्म होने वाला, चलना ही पड़ेगा हमें। तो बहुत ज़्यादा लगा रखा है बंदे ने, बहुत सारे एमो डाल रखे हैं, तो थोड़ा और चलते हैं। और हाँ यही था आज का वीडियो, ठीक है, रेड करने हमें आया था, रेड हो गया फाइनली। अभी ना इसका फिर से अटक गया बे, नीचे उतरना, यहीं से मैं लगा दूँ क्या इसका कैबिनेट तोड़ दूँ क्या, 1 मिनट रुको, इसके ऊपर चढ़ के कैबिनेट तोड़ते हैं। नहीं लग रहा है बॉम्ब, नहीं लग रहा है, 1 मिनट इसके ऊपर चल के, ठीक है बाहर निकलता हूँ, ऊपर से लगाता हूँ, यहाँ से तो लग जाना चाहिए, 100% लग जाना चाहिए। ठीक है लग गया, कैबिनेट गया, और कहीं बॉक्स था नहीं इसका तोड़ने के लिए, तो फटाफट में यही। अबे मार रहा है, मार रहा मार रहा मार रहा, निकलने दे। अब चलो उठाते हैं जितने इसके लूट हैं, नहीं मार रहा है, चलो कैबिनेट टूट गया तो नहीं मार रहा है ये, टूट इसका देख रहे हो, जरा से भी डैमेज नहीं पड़ा इसके ऊपर। अबे भाग 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 भाग, ले लिया ये, पता नहीं कैसे कब कैसे रुकेगा ये, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कुछ आयरन स्टील, चलो लूट तो है ठीक ठाक इसके पास भी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन हमारे पास नहीं है, कॉटन में उठा लूँगा क्योंकि कॉटन हमारे बेस में है नहीं। एमओ ओके ओके, गन पाउडर मिला, ठीक है, सल्फर भी है, ठीक है, कार्ड है, कुछ कंपोनेंट्स है, तो है अपने पास कंपोनेंट्स बहुत सारे, तो मैं फटाफट से इसको ये कर ले रहा हूँ। चलो फटाफट मैं इसको ले जाके बेस पे पहले रखता हूँ, उसके बाद से वापस एक बार और आएंगे। अब बहुत सारे कंपोनेंट है अभी भी अपने पास यहाँ पे, उस वाले बगल में, ठीक है, उसको भी ले जाऊंगा, डिसमेंटल करूंगा, कुछ स्टील मिलेंगे, स्टील इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन से ज़्यादा स्टील इंपॉर्टेंट है, स्टील अपन रख लेंगे फटाफट से। तो अभी ना मैं एक और बेस रेड कर सकता हूँ क्या, इतना ज़्यादा तो मिल गया, एमओ बहुत है, ठीक है फटाफट एमओ भी उठा ले रहा हूँ। जो भी मतलब मेन चीज़ तो यही होता है ना यार, रेड करने का मतलब यही होता है कि लूट मिले, लूट मिल गया अपने को, आप फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। तो हाँ आज बेस रेड किए, अगर भाई होता तो और मज़ा आता। चलो सोलो बेस, इतना बड़ा बेस को रेड करना बहुत मुश्किल होता है, अगर ये बंदा ऑनलाइन होता तो मुझे मार दिया होता, मुझे पता है कहीं ना कहीं तो ये छुप के मार ही देता, मैं इतना मेहनत से तो अभी तोड़ा हूँ, कैसे कैसे पहुँच रहा हूँ। उसके बाद से बंदा, चलो यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा था, अब इसके पास एक भी आयरन और ये इसके आर्मर नहीं है, ये बंदा कैसा था यार, यहाँ पे क्या रखा है बॉस, मतलब ये कैसा बंदा था यार, कितने सारे वायर रखे हैं इसने, ये देख रहे हो वायर भर भर के रखा है वायर, कितना वायर रखेगा भाई तू, इतना क्या होगा तेरे, किस काम के आएंगे। चलो और यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, ये वाला मैं तोड़ ही दिया। ओके यहाँ पे मुझे इसका ये दिख रहा है, ठीक है, इसने कितने सारे फीस और कितने सारे आइटम ले रखे। ओके नहीं इधर से नहीं ले सकते, दीवार के आस आर पार नहीं ले सकते, वो साइड जाना पड़ेगा लेने के लिए। ओके यहाँ से नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे आइटम ले रखे हैं भाई ने, भर भर रखा है यार। 1 मिनट देखूँ इसको गिराने के बाद से उठा सकते हैं क्या, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं उठा सकते, नहीं उठेगा ही नहीं, मतलब यहाँ से मैं सोच रहा थोड़ा सा अपना बैग खाली करूँ तो मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, फटाफट से चलता हूँ, मेरे पास लेटर नहीं है मेरे बेस पे, तो यहाँ से मैं लेटर भी उठा ले जाऊँगा क्योंकि लेटर हम लोग चाहिए होगा।
और फिलहाल के लिए तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें ले लिया मैंने। एक बार जाता हूँ अपने बेस पे, कुछ रख के आता हूँ, फिर जाके। अबे यार नीचे गिर गया ये। इसका शॉटगन का क्या मैटर है यार, कैबिनेट तोड़ दिया, बेस तोड़ दिया, फिर भी नहीं मिल रहा। और देख लो एक बार, रिचेक कर लो, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा तो उठा ले रहा हूँ। वापस एक बार आना ही है बगल वाले रूम से लेके जाना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है अब। ठीक है चलो, मैं एक बार रख के आ जाता हूँ अपने बेस में। फटाफट अब निकलते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ओके, यहाँ से सीधे बाहर जाऊँ। एक दो, चलो आ गया मैं बाहर। फटाफट अपना हॉर्स बुलाता हूँ, फिर निकलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? और हाँ, एक भाई ने बोला था डिस्कॉर्ड ज्वाइन किए क्या, तो हाँ मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया था, 7-7 डेज का ही है। मैंने इनविटेशन लिंक दे दिया है, कोई भी आना चाहता है तो आ सकता है। ठीक है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, फिर खेलेंगे। आ जाओ, डिस्कॉर्ड से मज़ा आएगा थोड़ा सा। और मैं अभी यूज़ ज़्यादा करना जानता नहीं हूँ मैंने, लेकिन चैनल मैंने बना रखे है ए आर स्टूडियो के नाम से ही। ठीक है, एप्रियो स्टूडियो, ए आर स्टूडियो दो है, जिस पे भी आना चाहते हो आ जाओ और खेलेंगे गेम साथ में ही। ठीक है, गेमिंग के लिए है, कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। मैं इसमें भी, इस वीडियो के नीचे भी और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। मुझे बाइक मिल गया, मेरे पास ऑयल था, उस बेस से मैंने लूट लिया था ऑयल। तो मैं फटाफट से बाइक लेके चलता हूँ, अपने बेस में रखता हूँ, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल हो जाएगा 71 आवर का, फिर कल ज़्यादा बड़ा ये रेड करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।